Hello friends, I'm Dr. Sonal Motta here. Today's topic is how will you relax? हम श्वास लेते हैं. जब श्वास लेते हैं ना, तो यहाँ जो विचार है, वो भी श्वासों में टेंशन में जाता है, क्योंकि सामने पांच छह चीजें हैं काम करने की. सब ऑन द स्पॉट होनी चाहिए. आप टेंशन में गए, गुस्सा आया, प्रेशर बढ़ गया. पर अगर आपने उसी टाइम पे लंबा सांस लिया छोड़ा, लंबा सांस लिया छोड़ा, आप रिलैक्स हुए, तो रिलैक्स माइंड में बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो. एक दो डिसीजन अच्छे से ले सकते हो. नंबर तीन, प्लानिंग अच्छे से होगा. नंबर चार, सारी बीमारियों को बाय बाय बोलेंगे. नंबर पांच, सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं सारी जीरो हो जाएंगे. नंबर छह, सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा और इवॉल्व हो जाएगा, माने झगड़े भी खत्म हो जाएंगे. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. नंबर सात, मनभेद होगा. मनभेद मत करना, मतभेद है आपका. मनभेद मत करना, मतभेद है आपका. जब रिलैक्स रहोगे तो एक्सेप्ट कर पाओगे. नंबर दस, जब रिलैक्स होगे तो आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स रिलैक्स हो जाएंगी. एक उदाहरण, हाउसवाइफ है, दिवाली का दिन है, गेस्ट आए हैं, उसी टाइम बेल आई है, इलेक्ट्रिशियन भी आया है, उसी लेडी को, नौकर को बोलना है, इलेक्ट्रिशियन सारे को अटेंड करना है. पर अगर वो कॉन्ट्रैक्शन में जाती है, स्नायु कोई भी भाग के अकड़ जाते हैं, या जो भी वीक पार्ट होगा वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये परिस्थितियां बार बार आएगी, तो कॉन्ट्रैक्शन बार बार होगा, फिर वो मसल स्पाज़म हो जाएगा, फिर वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जहां भी वीक पार्ट है वहां वो एनर्जी वीकनेस की चली जाती है, क्योंकि वो भाग सिकुड़ जाता है, आर्टरीज, वेन्स या नर्व्स, फिर वो कोई भी ऑर्गन में होगा. और दूसरा, एक अमाइग्डाला होता है ब्रेन में, उसमें तीन रिस्पॉन्स होते हैं, फ्लाइट, फाइट, फ्लाइट, और दूसरा आप रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कैसे करते हो. देखो, ये आपको बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं. अगर बाहर का गटर आपने जैसे चाय फिल्टर करते हैं, जो जरूरी है ईगल की नजर से देखा और वो ही लिया, तो अंदर पूरा प्योरिटी ही भरा है और कुछ नहीं. अगर आपने कचरा न्यूज़पेपर का ले लिया, कचरा टीवी का ले लिया अंदर सारा, तो ये 10% में पूरा गार्बेज हो जाता है, कुछ काम ही नहीं है. आपको रिसर्च करना है, खुद को जानना है, कुछ नहीं कर पाओगे. आप रिलैक्स कैसे करोगे, ये शवासन में सोना है. देखो, ये ऐसे, ये डॉक्टर जमीन मोता का रिलैक्सेशन थेरेपी है. देखा कितना सुंदर है. फिर जब आप रिलैक्स हो जाओगे, आप देखोगे कि आपको नेचर 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 के अंदर जो जो चीजें हैं वो दिखने लगेगी, जो आपके शरीर को भी मदद करेगी बीमारी को बाय बाय टाटा बोलने के लिए.
सब कुछ वैसा ही इधर पड़ा है और सब कुछ आपके लिए ही है, पर आपको स्ट्रेस आना, देखिए विचार आना ये मन की प्रकृति है, जैसे पानी बहना मन की प्रकृति है। विचार आएंगे, पर आप कौन सा विचार सोचने के लिए लेते हो? और सबको, सब में अच्छाई देखो, पर बैकग्राउंड में प्यार रखो। और आप कैंसर ले लो, एचआईवी ले लो, ट्यूमर ले लो, शुगर ले लो, सारा साइकोलॉजिकल है। 90-10% हेरिडिटरी और दूसरा सब कुछ ओबेसिटी सब होता है। पर बिलीव मी, सब प्यासे हैं अटेंशन के, लव के, जैसे मछली तड़पती है। पर आप अगर रिलैक्स रहोगे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा, आप सब कुछ कर सकते हो क्योंकि सारी क्षमताएं आप में है। एक आदमी है, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, दो हाथ और दो पांव कटे हुए हैं, वो बहुत अच्छा प्रीचिंग भी करता है, माइंड रिलैक्स है ना उसका, तो रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। एक आपको बताया दो हाथ और दो पांव सेपरेट कर सकते हैं, दूसरा लंबा श्वास लेके छोड़ सकते हैं, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, अंदर लिया आई एम नॉट द माइंड, बाहर छोड़ा आई एम नॉट द बॉडी, आई एम लव, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी। आप कुछ नहीं है, तो जो इतनी हाई हाई लगी पड़ी है आप समझ जाओगे कि रिलैक्सेशन के अंदर सब कुछ आ जाता है। हम कितनी थेरेपी कर ले, कितनी दवाइयाँ खा ले, दवाइयाँ सब बढ़ जाएंगी, बट रिलैक्सेशन टेक्निक हमने अभी दो सीखी। तीसरा, टेंशन आता है पानी पी लो, अपना ध्यान बटा लो। नंबर चार, कोई मिठाई खा लो। नंबर पाँच, वो जगह छोड़ के चले जाओ। नंबर छः, वॉक पे जाओ। इतनी सारी मेथड्स कई हैं, किसी का तो प्रयोग करिएगा। धन्यवाद। Help Talks are daily health-related talks held at Health Education Library for People, Mumbai, India. For more information, visit www.healthlibrary.com. Subscribe to Help Talks channel. Be better informed about your health.